हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और मॉइस्ट चॉकलेट केक की रेसिपी। इसी के साथ चॉकलेट केक डेकोरेशन बहुत ही सिंपल तरीके से। मैं बनाना कुछ चाह रही थी और बन कुछ गया, तो वीडियो का एंड तक देखिएगा कि मैंने उसको कैसे ठीक किया। वो भी आपके लिए एक लर्निंग हो सकती है कि आप केक को कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, अगर कुछ ख़राब हो जाए तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बेस बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है दही, दही फ्रेश होना चाहिए। इसी के साथ ऐड करेंगे ऑयल, आप बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर इसमें ऐड करेंगे चीनी, तो पीसी हुई चीनी है, आप इसको घर में पीस सकते हैं। और बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब एक छलनी लेनी है, इसके ऊपर रखनी है और इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, इसी के साथ 2 बड़े चम्मच कोकोआ पाउडर, इसी के साथ हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। सारी चीज़ों को छान कर इस्तेमाल करना है, इससे केक बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है, तो इसे बस हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा मिल्क डाल के एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। बैटर बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ना चाहिए। मिल्क जो आप यूज़ करेंगे वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम इसमें वनीला एसेंस ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये बैटर बिल्कुल रेडी है, एकदम रिबन कंसिस्टेंसी पे आ गया है, इसका मतलब ये एकदम परफेक्ट है। अब एक पैन लेना है। इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आप पैन में केक कैसे बना सकते हैं, तवे पर केक बेक कैसे बना सकते हैं विदाउट अवन और विदाउट केक मोल्ड। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, सॉस पैन, जिसमें आप चाय बनाते हैं। नीचे तवा रखना है, तवे के ऊपर चाहे तो आप एक प्लेट रख दीजिए और बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है 40 मिनट के लिए। 40 मिनट में आपका केक बहुत ही अच्छे से पक जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जलेगा। मैंने बटर पेपर का इस्तेमाल भी नहीं किया है और केक नीचे से बिल्कुल भी नहीं जला है। बस ध्यान रखना है आपको कि केक का जो फ्लेम है बिल्कुल लो रखना है, तो उस केस में आपका जो केक है बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब ऊपर की लेयर हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। केक जब पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तभी हम इसको लेयर करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो बिल्कुल घर का जो सिंपल नाइफ होता है उसी से मैंने इसको कट किया है। आप देख सकते हैं केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट बनता है। अब हम केक डेकोरेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक लेयर रखनी है केक की और इसे हम मॉइस्ट करेंगे। थोड़े से मिल्क में मैंने मेल्टेड चॉकलेट डाल दी है, तो उससे हम अच्छे से मॉइस्ट करेंगे हमारी केक की लेयर को। फिर हम लगाएंगे क्रीम। क्रीम को पाइपिंग बैग की हेल्प से लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। इसको फ्लैटन करेंगे। बीच में मैं थोड़े से चॉको चिप्स डाल रही हूँ। फिर इसके ऊपर हम अगली वाली केक की लेयर रखेंगे, इसे भी मॉइस्ट करेंगे हम अच्छे से। और इसके बाद सारे केक को क्रीम से कवर कर लेंगे इस तरीके से। बहुत ही सिंपल तरीके से केक को कवर कर दीजिए। अब यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट ली है और इसको डबल बॉयलर की मेथड से हम करेंगे इसको मेल्ट। और यहाँ पे मैं थोड़े से कुछ केक डेकोरेशन बना रही हूँ, चॉकलेट डेकोरेशन बना रही हूँ जिससे हम केक को डेकोरेट कर सके। तो मैंने बटर पेपर लिया है और इस तरीके से मेल्टेड चॉकलेट से इस तरह से डिज़ाइन बना ली है। डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जैसे भी डिज़ाइन बनानी हो, बहुत सिंपल भी बनानी हो तो वैसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आप केक की एजेस में इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, मैंने यहाँ पर दोनों डिज़ाइंस को एक साथ लगा दिया, जिससे क्या हुआ निकालने में प्रॉब्लम हुई और मेरी सारी डिज़ाइन जो है वो टूट गई, तो केक पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने ट्राई किया कि शायद केक थोड़ा सा अच्छा दिखे। फिर ये जो हमने इस तरह से नेस्ट बनाया था वो भी थोड़ा सा टूट गया, तो अनफॉर्चुनेटली दोनों डिज़ाइन मेरी ख़राब लग रही थी तो मैंने बिल्कुल हटा दी। केक को फिर से मैंने क्लीन कर दिया। अब मैंने ऊपर से डाला है गनाश और इस गनाश से मैं अच्छे से केक को कवर कर लूँगी। गनाश बनाने के लिए मेल्टेड चॉकलेट में मैंने थोड़ा सा क्रीम मेल्ट करके डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर लिया, बटर डाला जिससे गनाश रेडी हो गया। एंड यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट ली है वाइट कलर की और मैं इस तरह से ड्रिजल कर रही हूँ हाथों से, इससे इम्प्रेशन बनेगा और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनेगा। ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी है और दिखने में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जितना ये सिंपल है दिखने में उतना क्लासी लगता है, देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो ये डिज़ाइन मैंने फटाफट से बना दी क्योंकि ये बहुत सिंपल है। इसको बनाना उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि पहला वाला केक तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उस केक को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया बिल्कुल इस केक में। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया। और अगर इस तरह की मिस्टेक आपसे भी हो जाए तो आप इस तरीके से फिर से केक को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। तो कई बार होता है कि हम सोचते कुछ हैं और केक बन कुछ जाता है, तो उस केस में बहुत सिंपल डिज़ाइन आप चूज़ करो जिसे बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल हो बट दिखने में वो बहुत ही अच्छा लगे। तो ये केक जो है लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा था, बहुत मॉइस्ट भी बना था, आप अंदर से लेयर देख सकते हो।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये केक कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसे ही सिंपल से रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।